हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन बर्ड्स एवरी। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है सनकनूर से रिलेटेड। जैसा कि ये हमारा ऊपर एक पेयर है सनकनूर का, न्यू पेयर है ये, जिसका नाम हमने चाचा रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक पेयर यहाँ पे आ जाता है, इसका नाम हमने हीरो रखा हुआ है। हीरो हीरो और हीरो की मैडम, ये देख सकते हो, ये मैडम गुस्से में है। और एक उधर हमने रखा हुआ मुर्गा, ठीक है। तो मुर्गा वो मतलब हीरो का बेटा है, उसका नाम मुर्गा रखा हुआ। और ये इधर इसके मम्मी पापा हैं हीरो के और चाचा के, ठीक है। ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों की भी हमने मैरिज करा दी है। तो हीरो पहले से ब्रीड कर ही रहा था, चाचा ने भी फर्स्ट टाइम ब्रीड की है। तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे चाचा ने ब्रीड की, इसने जैसे फर्स्ट टाइम ब्रीड की है, तो फर्स्ट टाइम ब्रीड करने के बाद क्या हुआ, इसने दो एग तो ले कर दिया हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा एग फीमेल लोडेड है, देखो कब आ जाए तीसरा एग, कोई पता नहीं है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, इसने पहला एग जो ले किया था 19/12 को किया, दूसरा इसने 22/12 को कर दिया था, ठीक है। तो कल शाम को जब मैं आया और मैंने देखा कि देखते हैं क्या कंडीशन है, तो देखा ये बाहर ही बैठे हुए थे। अब गाइस बाहर बैठे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा गाइस। तो मैंने क्या किया कि इसके जो दो एग थे वो मैंने उठा करके नीचे शिफ्ट कर दिए, जो इसके मम्मी पापा ने ब्रीडिंग की हुई है वहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने मार्कर से ए का निशान बना दिया और उठा करके मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया नीचे, क्योंकि हीरो ने ब्रीड की नहीं है अभी, तो हीरो किसी में अभी लोडेड है। तो मैंने कहा यहाँ पे शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और 19/12 के हिसाब से इसका जो है 18 तारीख को एक अंडा आया था, लास्ट वाला एग जो इसका 18 तारीख को आया हुआ, तो 18 से 19 एक दिन का फर्क है, चल जाएगा। मैंने कहा फर्टिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लास्ट वाले एग के हिसाब से हमारा जो है सेटिंग बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसका वो किया है। और इनको जो मैंने केज साइज दिया हुआ है वो 4 फुट बाई 2.5 बाई 2.5 का मैंने केज दिया है इनको, 4 फुट लंबा है, 2.5 हाइट है और 2.5 इंच की गहराई है, जैसे कि आपको केज सामने दिख ही रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इनको दिया हुआ बॉक्स, इनको मैंने बाहर से लगाया हुआ ताकि इनको स्पेस वगैरह पूरा मिल जाए, ठीक है। और जो बाउल देख सकते हैं आप, ये दाने की एक ट्रे लगाई हुई है मैंने, एक ये अलग से बाउल लगाई हुई है चीनी मिट्टी की, जिसके अंदर मैंने कैनरी अलग से दी हुई है थोड़ी एक्स्ट्रा। दाने में तो है ही कैनरी, अभी दाना भी मैं इनको फ्रेश डालूंगा, ये निकालूंगा क्योंकि इन्होंने खा लिया है। और कैनरी थोड़ा सा अलग इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा ज़्यादा हो गया दिल्ली में। और ये आप देख सकते हैं पेयर पूरा एग्रेसिव हो जाता है, ये आप देखें पेयर पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाता है। तो गाइस ये पेयर जो है पूरी तरह से बच्चे वगैरह अच्छी तरह पालता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा हीरो भी बच्चे वगैरह पाल लेता है और ये भी अच्छी तरह से बच्चे वगैरह पालता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने हमारे पास 3 एग ले कर दिए, 3 एग इसके खुद के हैं और 2 एग हमने चाचा के ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिए हैं। अब तीसरा एग अगर आता है तो उसको भी हम इसी के नीचे शिफ्ट कर देंगे, और जब चाचा हीरो ब्रीड करेगा तो हीरो के नीचे एक एक करके हम देखेंगे, जैसे भी फर्टिलिटी वगैरह है वैसे ही हम इनको दिखा देंगे, ठीक है। तो अब मैं इनको जो मैं इनको ये दो बर्तन तो इनके सीड के हो गए, एक मैं इनको सॉफ्ट फूड की प्याली अलग देता हूँ और पानी के लिए बर्तन अलग देता हूँ, यानी कि एक केज में जो है 4 बर्तन टोटल लगते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में वही 3 बर्तन रह जाते हैं, कैनरी वाला जो बर्तन है वो हट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो है गाइस हम सेटिंग बना के रखते हैं अपने केजेस की, और बर्ड्स को मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह हम भरपूर तरीके से देते रहते हैं ताकि बर्ड्स को दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। और इनके लिए एप्पल वगैरह बहुत ज़रूरी है, एक फ्रूट समय रोज देना होता है। और इनका जो बेबी वगैरह निकलते हैं ब्रीडिंग के बाद, तो हम क्या करते हैं उनको A19 से ही पालते हैं, जो A19 का हैंड फीडिंग फॉर्मूला आता है उससे हम इनको पालते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कैनरी हमने इनको दी हुई है, ये देखें, ताकि ये वेस्ट भी ना करें। और देखो ये खा भी रहे हैं, छिलके छिलके रह गए हैं इसमें थोड़े से, अभी मैंने फ्रेश डाली है, बिल्कुल जस्ट अभी डाली है। तो हीरो खा भी रहा है ये, और ये हीरो की मैडम भी खा रही है। तो बर्ड्स को जो चीज़ अच्छी लगती है ना वही चीज़ हमें देनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। और ये हमारा देखें ये वाला पेड़ भी ऊपर बैठा हुआ है, ये भी एग ले करने वाला है, तीसरा एग ये जल्दी ही ले कर देगा।
ठीक है, तो मैंने कहा कि पहला क्लच है अंडे ना खराब हो, इसलिए मैंने उसे शिफ्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। जैसा कि हीरो के मम्मी पापा का पहला अंडा जो आया था वो 15 को आया था, 15-12 को, दूसरा आया इनका 18-12 को, और सॉरी तीसरे वाले की मैं डेट ही डालना भूल गया, तीसरा मेरे ख्याल इनका 22-22 को आया होगा, 21 तारीख के आसपास आया, सॉरी तीसरा अंडा आया है 21-12 को इनका। ठीक है, तो तीसरे की मैं डेट अभी डाल देता हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं सर तीसरा, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये देखें आप, फीमेल बड़ी एग्रेसिव हो रही है, मेल फीमेल दोनों ही एग्रेसिव हो रहे हैं, ये आप देख ही सकते हो। और इसके अंदर हमने एग देखे हैं आप, इसके अंदर हमने 5 एग रख दिए, मतलब 2 एग तो चाचा वाले रखे हैं और 3 एग इसके खुद के हैं, ये देख ही सकते हैं आप। तो गाइस इस तरीके से मैंने इनको इसलिए शिफ्ट कर दिया ताकि जो है एग खराब वगैरह ना हो और दिक्कत भी ना आए किसी तरह की। तो ये करके मैंने कोशिश ये की है कि भाई फर्स्ट क्लच के जो बच्चे आएंगे तो मतलब कम से कम बच्चे बच तो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख ही सकते हो, ये देखें आप 5 एग इसमें रखे हैं और मैंने मार्कर से निशान लगा दिया 2 एग्स पर। ठीक है, तो मुझे जो आइडिया है वो एक तो ये वाला बिल्कुल जो इस तरफ वाला जो ये वाला जो एग है ये की ये और एक इसके सामने वाला एग, ये 2 एग मेरे ख्याल चाचा के रखे हुए हैं और बाकी जो 3 एग लाइन से इस तरीके से जो लाइन से लगे हुए हैं वो 3 एग इसी के हैं। ठीक है, जो मेरा आइडिया है क्योंकि मैं अंडे छेड़ना नहीं चाहता। पेयर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से गाइस, पेयर एग्रेसिव हो रखा है, बड़े बुरे तरीके से एग्रेसिव हो रहा है पेयर, आप देख ही सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ठीक है गाइस, फिर मैं इसको बंद करता हूँ बॉक्स को, बर्ड को ज़्यादा ना डिस्टर्ब करते हुए। ठीक है, ये हमने कर दिया बंद, और चाचा की भी मैं प्रोग्रेस दिखा देता हूँ कि यहाँ से मैंने 2 एग इसके उठा लिए थे, तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके अंदर जो है 2 पुराने एग रख देता हूँ, अपने पास 2 पुराने एग पड़े हुए हैं, तो मैं वो 2 एग इसके अंदर रख देता हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हैं जैसे कि चाचा वाला जो पेयर है ना मीटिंग कर रहा था, अभी मैं आपको मीटिंग भी दिखा दूंगा कि मीटिंग भी ये कैसा है, आप जैसे कि देख सकते हैं मीटिंग भी कर रहा है ये पेयर, ये देख सकते हो आप मीटिंग कर रहा है। तो इसके कारण ये क्या था कि न्यू पेयर है तो ये बैठ नहीं रहा था एग पे, और एग बिल्कुल ठंडे हुए पड़े थे, ये मैं देखता था तो ये ज्यादातर बाहर ही रहता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी मीटिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन सेकंड क्लच में हो सकता है ये पूरी तरह से ब्रीडिंग के लिए तैयार है, ब्रीडिंग कर भी रहा है अपने एग आगे, तो ब्रीडिंग तो हो ही गई इसकी समझ लीजिए। ठीक है, तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, ओके बाय।